दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग नौकरी को छोड़कर किसी न किसी तरह के बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है तो वही मुनाफा भी ज्यादा होता है। किसी भी बिजनेस को शुरू करना और उसे बिजनेस को सफल बनाना, ये दोनों अलग बातें हैं। बिजनेस शुरू करना आसान है, लेकिन उससे पैसे कमाने बहुत मुश्किल है। कई लोग जोश जोश में पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन वह उसे लंबे समय तक चल नहीं सकते। जब नुकसान ज्यादा होने लगता है तो वह उसे काम को बंद कर देते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हमें बहुत मेहनत और नॉलेज होनी चाहिए। आज हम आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना सिखाएंगे। ऐसी क्या चीज जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? दोस्तों, आज के समय में हर आम आदमी अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर आप भी अपना खुद का स्टार्टअप और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप भी अपना खुद का बॉस खुद बनना चाहते हैं, तो हमारे आज के इस आर्टिकल हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस में हम आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आप बस आर्टिकल में अंत तक बने रहे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की है, जिसने अपने मेहनत और लगन से अपने सपनों को हकीकत में बदला। रमेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके माता पिता खेती करते थे और बड़ी मुश्किल से परिवार का पालन पोषण करते थे। बचपन से ही रमेश ने गरीबी और तंगहाली को करीब से देखा था, लेकिन उसमें कुछ कर दिखाने की इच्छा और दृढ़ संकल्प था। रमेश पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। गांव के प्रधान ने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवाने में मदद की। रमेश ने दिन रात मेहनत करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान उसने छोटे मोटे काम भी किए ताकि अपनी फीस और खर्चे निकाल सके। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद रमेश ने नौकरी करने की बजाय खुद का कुछ करने की ठानी। उसने अपने दोस्त मोहन के साथ मिलकर एक छोटी सी टेक्नोलॉजी कंपनी शुरू की। शुरू में कंपनी को बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन रमेश और मोहन ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत करके अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारा। धीरे धीरे उनकी कंपनी को पहचान मिलने लगी। किसी भी बिजनेस की तरह रमेश की कंपनी को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा समय भी आया जब उन्हें लगा कि अब कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन रमेश की मेहनत और मोहन की सूझबूझ ने हर मुश्किल का सामना किया। उन्होंने नए नए आइडियाज पर काम किया और अपने प्रोडक्ट्स में सुधार किया। कुछ ही वर्षों में रमेश की कंपनी ने बाजार में अपनी पहचान बना ली। उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी और कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। रमेश और मोहन ने अपने बिजनेस को और विस्तार दिया और नई नई टेक्नोलॉजीज को अपनाया। उन्होंने अपनी कंपनी में युवाओं को रोजगार के अवसर दिए और उनके हुनर को निखारने का काम किया। रमेश ने अपनी सफलता को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की और किसानों को नई तकनीकों से खेती करने की ट्रेनिंग दिलवाई। उसकी इन समाज सेवी कार्यों की वजह से पूरे क्षेत्र में उसकी बहुत इज्जत हुई। रमेश की कहानी उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। उसने यह साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। रमेश की मेहनत
उसके संघर्ष और उसकी सफलता की कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर हम अपने सपनों को सच में बदलना चाहते हैं तो हमें पूरी मेहनत और लगन से काम करना होगा। कोई भी सफलता आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम धैर्य और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहें तो हमें मंजिल जरूर मिलेगी। रमेश की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। उसकी मेहनत, संघर्ष और सफलता की यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम दृढ़ निश्चय और मेहनत के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। रमेश ने यह साबित कर दिया कि सच्चे इरादे और कड़ी मेहनत से कोई भी सपना साकार हो सकता है। जब वह आपका बिजनेस से चलने लगेगा तब आप दूसरों को जोड़ें और हमेशा अपने काम की जांच करते रहें, क्योंकि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है। अगर आप अपने काम को दूसरों के भरोसे छोड़कर मौज मस्ती या अदाओं में लग जाओगे तो वह बिजनेस आपको नुकसान ही देगा। बिजनेस हमेशा उन लोगों के साथ कर जिन पर आपको सच में भरोसा है। किसी भी काम को किसी की कहां पर ना करें। आप जिस बिजनेस को करना चाहते हैं, पहले उसे बिजनेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ताकि कल अगर आपको कोई धोखा देगी जाए तो उसे काम को आप अकेले कर सके। जब आप ऐसा करेंगे तब जाकर आप सफल बिजनेसमैन बनेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।